गुजरात के सूरत, जहां पे राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। आज एक अच्छे काम की पहल के लिए मैं माननीय सीआर पाटिल जी को और माननीय भूपेंद्र भाई पटेल जी को भी धन्यवाद देता हूं। मंच पर विराजमान सम्माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश मोहन जी यादव साहब, अभी आपको जिन्होंने सुना है, जिनको उप मुख्यमंत्री बिहार श्री सम्राट चौधरी जी, वित्त मंत्री कनुभाई देसाई जी, गृह राज्य मंत्री गुजरात हर्षभाई संघवी जी, पर्यावरण राज्य मंत्री गुजरात मुकेश भाई जी, प्रफुल्ल भाई पानगौरिया जी, शिक्षण एवं राज्य मंत्री गुजरात जोगाराम पटेल जी, संसदीय कार्य मंत्री राजस्थान लोमाराम जी चौधरी, सांसद सिरोही जालौर निरंजन भाई राजमेरा जी, अध्यक्ष सूरत महानगर देखचेत मावाड़ी जी, मेयर सूरतगढ़ महानगर पालिका श्रीमती बिनी महाजन जी, सचिव जल शक्ति भारत सरकार पूर्णेश भाई मोदी जी, विधायक सूरत विनोद भाई मोरडिया, विधायक कतारगांव कुमार भाई कानाणी, विधायक श्रीमती संगीता बहन पाटिल जी, विधायक अरविंद भाई राणा, विधायक कांति भाई वलर, विधायक प्रवीण भाई दोदारी, विधायक मनु भाई पटेल जी, विधायक संदीप भाई देसाई विधायक, और यहाँ पर बैठे सभी जो इस पुण्य कार्य में अपनी सहभागिता निभा रहे हैं, ऐसे मेरे सभी भाई और बहनों, राजस्थान के मेरे प्रवासी भाइयों, सबसे पहले तो मैं इस पुण्य कार्य के लिए आप आए हैं, इसके लिए मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी को मैं नमन करता हूं। मैं सूरत में रहने वाले और इस कार्य से जुड़ने वाले सभी भाई बहनों को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि हमें पता है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश आगे बढ़ रहा है, और मेरे राजस्थान के जो प्रवासी भाई हैं वो तो अच्छी तरह जानते ही हैं, लेकिन गुजरात के भाई भी अच्छी तरह से जानते हैं कि राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जिसमें पानी की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। हमेशा राजस्थान की अगर बात होती है तो हम पानी की बात करते हैं, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि आपने देखा होगा 2003 में जबकि राजस्थान ने किसी से कहा नहीं, लेकिन पड़ोसी होने का जो नाता होता है वो अपने आप मन के भावों से निकल करके आता है, और 2003 में जब माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी यहां के मुख्यमंत्री थे तो हमारा सटा हुआ क्षेत्र जालौर और बाड़मेर जब पानी की बहुत बड़ी दिक्कत होती थी, हमें सबसे पहले 2003 में नर्मदा का पानी देकर राजस्थान वालों पर बहुत बड़ी मेहरबानी की थी, क्योंकि वो पड़ोसी के दर्द को जानते थे, अनुभव करते थे, तो उन्होंने राजस्थान के लिए पानी दिया। और यही मैं अब कहना चाहता हूं, हमारे माननीय सीआर पाटिल जी ने और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेंद्र जी पटेल जी ने ये जो योजना कर्म भूमि से जन्म भूमि, जल संचय जन भागीदारी जन आंदोलन, जो ये कार्यक्रम आज यहां हो रहा है, मैं कह सकता हूं कि इसको सबसे बड़ा लाभ राजस्थान को मिलने वाला है, और राजस्थान के हमारे भाई बहन पूरी तरह से पानी की स्थिति को जानते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर भी पानी है, गुजरात के अंदर भी है, बिहार के अंदर तो सम्राट जी ने बताया कि कितना पानी आता है, अगर कहीं पानी से अछूता है तो वो राजस्थान है। इसलिए मेरा धर्म बनता है कि पड़ोसी होने के नाते आपने जो सोचा है, राजस्थान के प्रति जो आपका लगाव है, मैं दिल की गहराइयों से गुजरात प्रदेश का बहुत बहुत अभिवादन करता हूं, बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूं।
यह अभियान हमारी आने वाली पीढ़ियों को याद रहेगा, क्योंकि जिस तरह से मैं आज कह रहा हूं कि 2003 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब यहां मुख्यमंत्री थे तो राजस्थान को देखा और गुजरात से पानी देने का काम किया। राजस्थान जहां जल हमेशा से एक अनमोल संसाधन रहा है, वहां जल संरक्षण की परंपरा रही है, क्योंकि हमको तो जल उतना ही मिलता है, बारिश भी कम होती है। लेकिन मैं कह रहा था कि माननीय पाटिल साहब, ये हमारी पुरानी परंपरा रही है कि जल संरक्षण करने की, लेकिन आपने एक नया उत्साह उमंग राजस्थान के लोगों में पैदा किया है। हमारी पानी की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है, आपने एक अच्छी मिसाल भी बनाई है। मैं हमारे राजस्थान वासियों की तरफ से आपको धन्यवाद देता हूं। हमारे पूर्वजों ने जल संरक्षण की आवश्यकता को गहराई से समझा और उन्होंने डिग्गी बनाने का, कुंड बनाने का, बावड़ी बनाने का ये काम हमारा राजस्थान में बहुत हुआ है। लेकिन आपने एक नए आयाम जो स्थापित किया है, निश्चित रूप से इससे अगर हमारा जमीन में पानी रहेगा तो उसको कभी भी निकाल सकते हैं। और हर प्रदेश की जो सबसे पहली आवश्यकता होती है वो पानी की होती है, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, सबसे पहले पानी की आवश्यकता होती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, राजस्थान के अंदर अपार संभावना है, हर क्षेत्र में अपार संभावना है, चाहे वो मिनरल के क्षेत्र में हो, हमारे यहां मिनरल बहुत बड़ी मात्रा में है, चाहे वो हमारे पर्यटक की दृष्टि से हो, चाहे वो कृषि की दृष्टि से हो, हमारा राजस्थान खुशहाल है। लेकिन सिर्फ कमी है तो वो पानी की है, और पानी की कमी को पूर्ति करने के लिए टांके, तालाब, कड़ीन, नाड़ियां, पाट, जोहड़ के माध्यम से वर्षा जल को सहेजने का काम हम करते हैं। मैं इतना कहना चाहता हूं कि जिसके मन में होती है और जिसको दर्द दिखता है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब हमारी सरकार 10 महीने पहले जब आई थी तो उन्होंने राजस्थान का दर्द समझा। और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, सबसे पहले जो राजस्थान की जो समस्या थी, मध्य प्रदेश की जो समस्या थी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उन समस्या को हल करने का काम किया। चाहे वो राजस्थान की ईआरसीपी, राजस्थान और मध्य प्रदेश की मिलकर ईआरसीपी की योजना हो, चाहे हमारी हरियाणा के साथ यमुना जल का समझौता हो, चाहे हमारा पोंग डैम से पानी आने वाला इंदिरा गांधी नहर के माध्यम से हमारे राजस्थान को